हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स. इट इज़ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स. चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आवर नंबर सिस्टम. तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में सारे नंबर्स का इंट्रोडक्शन बताऊँगी, उसके बाद मैं आपको रियल नंबर की डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करूँगी. सबसे पहली डेफिनेशन मैंने बोर्ड पर लिखी है, नेचुरल नंबर्स जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, सारे पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पर लिखा है 1, 2, 3 डैश 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 इनफाइनाइट. डैश मीन्स कितनी भी काउंटिंग आप इसमें ले सकते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट जहाँ तक की काउंटिंग आपको पता है वो सारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स. उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन मैंने लिखी है होल नंबर्स. नेचुरल नंबर के सेट में जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स. यानी होल नंबर में हम क्या लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके जहाँ तक भी काउंटिंग हमें पता है प्लस इनफाइनाइट तक. नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटीजर. इंटीजर मीन्स होल नंबर का जो सेट है, जीरो से लेके सारे पॉजिटिव नंबर, उसमें अगर हम सारे नेगेटिव नंबर ऐड कर दें, यानी माइनस इनफाइनाइट टू ज़ीरो एंड ज़ीरो टू प्लस इनफाइनाइट, तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स. नेक्स्ट डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स. वो सारे नंबर जिनको हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं. p मीन्स ऊपर न्यूमरेटर, q मीन्स डिनोमिनेटर. जैसे एग्जांपल में हमने लिखा है 1/2, 3/5, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर जिनको हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं. यानी एक न्यूमरेटर होता है इसमें ऊपर और नीचे होता है डिनोमिनेटर. बट इसमें एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है कि q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. अगर डिनोमिनेटर में q की वैल्यू ज़ीरो है तो उसे हम रैशनल नंबर नहीं कहेंगे, वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा. नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर मीन्स वो सारे नंबर जिनको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. मैंने लिखा है p बाय q नॉट इक्वल. नॉट इक्वल मतलब इन नंबर्स को हम p बाय q के फॉर्म में नहीं लिख सकते. फॉर एग्जांपल √2 है, √5, √7 या फिर 2.12412. अब ये डेसिमल के बाद का जो डिवीज़न है ये कंटिन्यूस चलता जा रहा है, एंड नहीं हो रहा है. तो इस तरह के नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इजीली, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर. और लास्ट में हम हमारे चैप्टर पे आएंगे. हमारा चैप्टर का नेम है रियल नंबर. तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एक्चुअली रियल नंबर्स. रियल नंबर मीन द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. जब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को साथ में ज्वाइन किया जाता है तो जो सेट प्रिपेयर होता है उस सेट को हम कहते हैं रियल नंबर्स. ये सारी डेफिनेशन आप अपनी CW में नोट करके रख सकते हैं ताकि जब भी आप रिवीजन करें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1.